ॐ नमः परमहंसाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानुषनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भवे विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध द्वितीय अध्याय में श्री उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनका ईश्वरत्व कथन करने के बाद उनकी मंगलमयी दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगे, भगवान के अवतार के दो प्रयोजन पूर्व में उद्धव जी के द्वारा बताए गए थे। एक तो पृथ्वी का भार उतारना और दूसरा मनुष्य जाति को कर्म का ग्रहण कराना। इन दो प्रयोजनों को लेकर के भगवान के अवतार का प्रतिपादन किया गया था उद्धव जी के द्वारा है। तो पृथ्वी का भार उतारने का जो कार्य है, वह यद्यपि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो गया, किंतु श्री भगवान की दयालुता कार्मिकता देखिए, कहते हैं कियान भूयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीमर्मूलैहि अष्टादशा अक्षंहरिको मदंशैरास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। मूल का 14वां। श्री भगवान विचार करने लगे कि अरे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह अर्जुन भीमसेन इन मौलिक वीरों के माध्यम से 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ, किंतु अभी यह पृथ्वी का कितना भार उतर पाया है? आशय क्या है कि अत्यल्प भार ही तो अभी उतरा है, बड़ा भारी भार तो अभी मदंशय ही यदूनाम दुर्विषाम बलम मास्ते मदंश प्रद्युम्नादिकों के सहित यदुवंशियों का अजेय बल अभी भार के रूप में मौजूद है। ठीक है, अनभिनंदन प्रकार मेवा। अभी तक के भार उतरने से भगवान को संतोष नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुए। क्यों आनंदित नहीं हुए, इसका भगवान स्वयं चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि आनित द्रोणादिभिर मूलैः ही कारणभूतैः ही द्रोणाचार्य भीष्म पितामह अर्जुन भीमसेन आदि कारणों के द्वारा यदि यह अष्टादश अक्षौहिणी युक्तः यह जो 18 अक्षौहिणी इसे युक्त भार दूर हुआ है, अष्टादश अक्षौहिणी कह में मूल में देखिए दिया गया ह्रस्व पाठ है। अक्षौहिणी कहा है, अक्षौहिणी शब्द है,
अक्षरहुणी शब्द के बाद में का प्रत्यय होकर के अक्षरहुणी का होना चाहिए। उस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं ह्रस्वत्व मार्षम, हर्ष चाहिए नहीं, व्याकरण के नियम से हर्ष हो नहीं सकता, किंतु आर्ष प्रयोग है। क्षजतो या उरुर्भारो भुवः अयम कियान, पृथ्वी का जो बड़ा भारी भार था तो उसमें से इतना भार कितना भार है, अत्यल्प इत्यर्थ है, ये तो बहुत थोड़ा है, तो अधिक भार फिर क्या है। यस्मान मदंशै ही प्रद्युम्नादि भी, क्योंकि मेरे ही अंश प्रद्युम्नादि भगवान के पुत्र हेतु भूतै ही, मेरे अंश प्रद्युम्नादि को कुल हेतु भूत मान करके यदुवंशियों का दुर्दशा दुर्दिशा बल मौजूद है, यही सबसे बड़ा भार है। जब तक यह न दूर हो तब तक पृथ्वी का पूरा भार उतरा हुआ नहीं है। यह विचार करके भगवान पुनः विचार करते हैं कि फिर यह कैसे दूर हो, तो उसके बारे में चिंतन करते हुए कहते हैं मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय या नतोन्यो मयुद्यतेऽन्तर गधते स्वयं स्म। श्री भगवान चिंतन करते हैं यदा एषां मध्वा आम अदाताम्र विलोचना नाम, है ना, मधु मने मध्य, उसके सेवन से जिनके नेत्र लाल हो गए हैं, ताम्र वर्ण के हो गए हैं, ऐसे विलोचन वाले नेत्र वाले ये यदुवंशी जब ऐसे हो जाएंगे तब इनमें मिथः विवादो भविता, आपस में विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और उस झगड़े में ही इनका नाश हो जाएगा, यही इनके वध का उपाय है, इसी रीति से यह भार दूर हो सकता है। ऐसा वधोपाय यान अन्य इतः अन्य न, इनके वध का नाश का यही एकमात्र उपाय है, इससे भिन्न कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये इतने बलशाली प्रभावशाली हैं कि कोई इनका मुकाबला कर नहीं सकता। मयुद्यते अंतर गधते स्वयं स्म, अब मैं पृथ्वी से अंतरहित होना चाहता हूँ तो इसलिए स्वयं जब मैं उद्यत हूँ संकल्प पूर्वक कि यह भार भी दूर हो जाए, तो मेरे अंतर्धान होते होते संकल्प के द्वारा यही एकमात्र इनके नाश का वध का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, न च अत्र अन्य उपाय प्रभवति, इन यदुवंशियों के नाश के लिए अन्य कोई उपाय समर्थ नहीं है। फिर क्या उपाय है, कैसे दूर होगा। किंतु मधुना या आमदः, मधु मद्यपान करने से जब इनमें मद आ जाएगा, आमदः सर्वतो मदः, आमद का मतलब आसमंतात मदः, आमदः सब में पूरी तरह से उसका नशा आ जाएगा, तेन आताम्र विलोचनानाम, और उस मद के प्रभाव से इन सबों के नेत्र ताम्र वर्ण के हो जाएंगे, लाल वर्ण के हो जाएंगे, तब ये क्रुद्ध होकर के आपस में विवाद छेड़ देंगे। ऐसाम विवादो यदा भविष्यति, जब इनका विवाद होगा आपस में, है ना, तदेव एवं ऐसा वधोपाय,
तभी इनका इस प्रकार का बध का उपाय है। अतो अन्यो नास्ति, इसके अतिरिक्त इनके नाश का कोई उपाय नहीं है। यद्यपि ये एकात्म भाव से रहने वाले, इनमें बड़ी एकता है, किंतु एकात्मानोपि, एकात्मा होने पर भी मय उद्यते सति, जब मैं संकल्प कर रहा हूँ इनके नाश का, विवाद का, तो एकात्म भाव वाले होने पर भी इनमें झगड़ा छिड़ जाएगा। सत स्वयं विवादे न अंतर गभीरन नित्यर्थ, तब स्वयं इनके भीतर से ही विवाद पैदा हो जाएगा और ये अंतर्धान हो जाएंगे, नाश को प्राप्त हो जाएंगे, पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने कुल वंश की भी भगवान ने कोई चिंता नहीं की। ये क्या है? ये वैराग्य। सदैव सर्व संपन्न भगवान में है ना, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म से यशस्य ज्ञान वैराग्य शरणाम भग इति गणा, ये छह भग है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री शोभा, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र धर्म, पूर्ण रूप में भगवान में ये छह ऐश्वर्य निवास करते हैं। तो इन्हीं ऐश्वर्यों के रहते हुए भगवान में वैराग्य भी है। जीव में इस प्रकार का वैराग्य संभव नहीं है। जीव तो अपने वंश के लोगों का नाश कभी सोच भी नहीं सकता, करेगा क्या? इसी प्रकार से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन में देखिए, भगवती सीता का परित्याग सबसे अधिक कठिन काम है, किंतु लोकाराधन के लिए एक किसी बकवास करने वाले व्यक्ति का भगवान ने कितना ध्यान रखा। देवी सीता का त्याग करा देने के बाद फिर भगवान के नेत्रों के अश्रु कभी सूखे ही। ऐसे लोकोत्तर चरित्र भारवी कहते हैं, वज्रादपि कठोराणि मधूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसी कोनु जिज्ञातुमर्हति। लोकोत्तर महान पुरुषों के चित्त वज्र के से भी अधिक कठोर, मधूनि कुसुमादपि और फूलों से भी अधिक कोमल। जटायु जो भगवान भगवती सीता के संरक्षण में प्राणांत हुआ, उसको लेकर के भगवान रो रहे हैं। मधुर ने कुछ मार दे, सीता के लिए मर गए। तो इस प्रकार के ये जो भगवान के लोकोत्तर चरित्र व्रत हैं, मरण करने योग्य। आप देखिए, एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम्, नंदयामास स्वर्ग साधूनां वर्त्म दर्शयन्। इस प्रकार से भगवान चिंतन करके धर्मजम धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज को उनके अपने ही राज्य में, कौरवों से उनको अपना ही राज्य तो मिला था, स्थापना कर दी, स्थापित कर दिया। नंदया मास सुहृदः, और अपने सब सुहृद मित्रों को आनंदित किया। साधु नाम वर्त्म दर्शयन्, साधु पुरुषों के मार्ग का आदर्श दिखाते हुए। एवं श्लोक द्वयनोक्तम क्रमेण संचिन्ति, पूर्वोक्त दो श्लोकों में जो भगवान ने चिंतन किया कि अरे अभी तो पृथ्वी का भार कितना हल्का हुआ है, वह चिंतन करके और क्रमशः भगवान
ने युधिष्ठिर को अपने राज्य में स्थापित किया और अपने भक्तों को सुहृदों को आनंदित किया, साध मार्ग का आदर्श दिखाया। उत्तरायाम ध्वजः पूर्ववंशः साध्वभिमन्युना सवैर्द्रौण्यस्तु सञ्छिन्नः पुनर्भगवता ध्वजः। उत्तरा देवी के उदर में पूर्व कौरव पांडवों का मूल वंश पूर्व वंश है, कौरवों से भी पूर्व का वंश है। पूर्व वंश, इसी वंश में महाराज दुष्यंत भरत जैसे वीर हुए हैं, तो पूर्व वंश का बीज के रूप में अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा देवी में स्थापित किया गया था। किंतु सवैद्रौण्यस्त संचिन्नः, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा वह नष्ट हो गया। पुनर्भगवता धर्तः, किंतु पुनः भगवान ने उस वंश को उज्जीवित कर दिया, सुरक्षित कर दिया। धर्तः, श्रीधर स्वामी कहते हैं पुनर्भगवता धर्तः माने रक्षिता, वंश की रक्षा की भगवान ने। और क्या क्या किया? अयाजयत धर्मसुतम अश्वमेधस्त्रिभिर्विभुः, सोभिक्ष्मा मनुजै रक्षन रेमे कृष्ण मनुव्रतः। धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ भगवान ने संपन्न कराए और वे महाराज युधिष्ठिर भी सोपि अनुजयी ही रक्षन क्ष्माम कृष्णम अनुव्रत हरे में अपने भीम अर्जुन नकुल सहदेव छोटे भाइयों के द्वारा पृथ्वी की रक्षा कराते हुए भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी बन करके रमण करते रहे, आनंद से जीवन यापन करने लगे। टीका अनुजायी सह, कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसके बाद भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामांसि सेवे द्वारवत्याम असक्त सांख्यमास्थितः। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयं विश्वात्मा भगवान ने भी लोक वेद पथानुगः, लोक और वेद दोनों के मार्ग का अनुसरण करते हुए, वेद मार्ग भी लोक मार्ग भी, और असक्त हसन द्वारवत्याम द्वारिकापुरी में आसक्त हुए बिना ही कामनाओं का सेवन किया, संसार के भोगों का अनुभव किया। एक विशेषण है सांख्य मास्थितः। सांख्य क्या है? प्रगति पुरुष का विवेक, प्रगति पुरुष का विवेक सांख्य दर्शन का विषय है। तो उसमें स्थित रहते हुए माने प्रकृति के दृष्टा बने हुए भगवान ने अनुभव किया, लोक वेद दोनों मार्गों का अनुसरण करते हुए। टीका, सांख्यम प्रगत पुरुष विवेकम, प्रगति पुरुष का विवेक रखते हुए भगवान ने संसार के भोगों का अनुभव प्राप्त किया। जीव जो है इस विवेक को छोड़ देता है, भूल जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसका संसार का भोग जो है बेहोशी में चलता है। और कहते हैं स्निग्धस्मितावलोकेनो वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येनो श्री निकेतेन चात्मना। भगवान स्निग्ध प्रेम पूर्ण और मधुर मुस्कान पूर्वक अवलोकन और भगवान की वाणी पीयूष कल्पया वाचा अमृत क्षण करने वाली वाणी के द्वारा
प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए देखना, अमृतमयी मधुर वाणी का प्रयोग करना, चरित्रेण अनवद्येनो, अनवद्य माने विशुद्ध चरित्र के पालन के द्वारा, श्री निकेतेन चात्मना, और भगवान का आत्मा माने देह, यहाँ पर भगवान का जो विग्रह है श्री विग्रह, वह मानो लक्ष्मी जी का घर है, श्री निकेत है, शोभा का धाम है भगवान का बपू विग्रह। ये पांच, इन पांच प्रकार से इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतराम यदून, इस लोक को और अमुम चैव परलोक का भी ध्यान रखते हुए, सुतराम यदून रमयन, यदुवंशी असल में देव योनि से भगवान के संकल्प से द्वारिकापुरी में प्रकट हुए थे, मथुरा द्वारिकापुरी, और फिर भगवान उनको मोक्ष देने के पूर्व ही उनको फिर देव योनि में ले गए, उनके दोनों लोकों का, यह लोक परलोक दोनों लोकों का है ना, का रमण कराते हुए, अथवा भगवान सभी अपने संबंधियों के साथ इस लोक में भी रमण कर रहे थे और अमुक लोक माने देवलोक में भी भगवान रमण कर रहे थे। रेमे क्षण गया दत्तक क्षण स्त्री क्षण सौहृदः, और कहते हैं कि भगवान रात्रि में भी भगवान ने प्रेम पात्राएं स्त्रियों को एक क्षण सौहार्द देने के लिए उनको प्रेम प्रदान किया, इस प्रकार से सबको आनंदित करते हुए स्वयं आनंद का अनुभव किया। ठीक है, स्निग्धो यह स्मित सहितो अवलोकः, प्रेम पूर्ण मुस्कान के सहित जो देखना अवलोकन करना इसके द्वारा, और अमृत की वर्षा करने वाली सुधातुल्य वाणी के प्रयोग के द्वारा, पाठांतर में कहीं कहीं सुधा प्रवाह रूपया, पीयूष कल्पया की जगह पर सुधा प्रवाह रूपया, ऐसा पाठ माने अमृत के प्रवाह की तरह से भगवान की वाणी प्रकट होती थी उसके द्वारा, है ना। आत्मना माने देहेन, भगवान का देह शोभा का निवास है, निकेत है, इन सब के द्वारा भगवान सबको आनंदित करते हुए रमण कराते हुए, क्षण गया माने रात्र्या, दत्त क्षणो अवसर उत्सवो वा यासाम स्त्रीराम, एक क्षण के लिए उनको अवसर दिया, तासु क्षणम सौहृदम यश सह, तात्पर्य है कि उनमें भगवान ने एक क्षण का सौहृद प्रकाशित किया, प्रकट किया। और कहते हैं तस्यैवं रममाणस्यो संवत्सर गणान बहून, गृह मेधेषु योगेषु विरागः समजायत। आप देखिए भगवान के वैराग्य की बात कह रहे हैं उद्धव जी, भगवान को वैराग्य हुआ, इस प्रकार से भगवान बहुत संवत्सरों तक 125 वर्ष तक भगवान संसार के सुखों का उपभोग करते हुए रहे, गृह मेधेषु योगेषु, सदगृहस्थियों के यहाँ जो योग माने उपाय हैं, भोग सुख प्राप्त करने के उपाय हैं जिनमें लगे रहते हैं लोग, तो उनसे विरागः समजायत, भगवान को वैराग्य हो गया। भगवान को वैराग्य अभी थोड़े हो गया, और वैराग्य तो नित्य है, छह ऐश्वर्य में छह ऐश्वर्य भगवान के नित्य हैं, किंतु यह तो उन्होंने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए
कैसे संसार में जीवन यापन करना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए वैराग्य प्रकट कर रहे हैं। वैराग्य तो उनमें नित्य है। तो विराग समझ आए तो टीका, गृह मेधेशु गृह धर्मेशु, सदगृहस्थियों के जो धर्म है उनका पूरा पालन करना। सदगृहस्थियों के धर्म में देखिए धर्म अर्थ काम तीनों में किसी की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तीनों त्रिवर्ग का अविरोधेय सेवन की आज्ञा है धर्म शास्त्रों की। एक का अधिक सेवन करे दूसरे की उपेक्षा करे यह दोष है। त्रिवर्गों का अविरोधेय सेवन करना, योगेश काम भोग उपाय, योग माने उपाय, काम भोग के उपाय, उन उपायों से ही भगवान को वैराग्य हो गया। विराग औदासीन्यम जातमित्यर्थः, उपायों में उपाय, क्योंकि भोगों से वैराग्य होता नहीं है तो उपाय के पीछे भागता रहता है प्राणी, ये करो ये करो ये लाओ वो लाओ, और जब भोगों से वैराग्य होता है तो उपाय की उपेक्षा कर देता है, उदासीनता आ गई। अब श्री उद्धव जी कहते हैं, दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान, भगवान तो सर्वथा स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, बाकी सारा संसार दैव के अधीन है, माया के अधीन है, जीव और जगत। और माने जगत हो गया काम पदार्थ भोग्य, और जीव हो गया भोक्ता, ये दोनों के दोनों जो है दैवाधीन है, भोग पदार्थ भी और उनका भोगने वाले जीव भी दैव के अधीन है, उनके काम में विषय भी और स्वयं वे भी दैवाधीन है। स्वयं पुमान माने जीवात्मा है ना, तो उनमें वैराग्य नहीं होता है। को विश्रम भेद योगे न योगेश्वर मनोव्रता, स्वयं भगवान जिनका जो स्वयं स्वतंत्र हैं उनके भोग भी सब स्वतंत्र हैं, उनको वैराग्य हुआ। किंतु जीव जो स्वयं पराधीन जिसके भोग भी पराधीन, ऐसे जीव को विश्रम भेद योगे न योगेश्वर मनोव्रता, यह जीव संसार का प्राणी यदि योगेश्वर भगवान का अनुयायी बन जाए, भगवान जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जैसा आचरण करते हैं वैसा करने लग जाए, तो कौन ऐसा मनुष्य है कि विश्वास कर लेगा इन भोगों का। माने जीव को तो पराधीन होने से न वैराग्य होता है न भोग ही उसके सिद्ध होते हैं कि दोनों में पराधीन है, किंतु भगवान का आश्रय ले ले तो उसको वैराग्य हो जाए, उसको भोगों के प्रति विश्वास समाप्त हो जाए। ठीक है, यदा स्वाधीने स्वपि भगवतो विरागः, जिन भगवान के अधीन है सारा संसार विषय भोग, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको वैराग्य हुआ। तदा दैवाधीनेषु को विश्रम भेद, तो फिर भला दैवाधीन है जिनके लिए भोग, हम सब जीवों के लिए, तो उन जीवों में कौन ऐसा मनुष्य है कि विश्वास करेगा। विश्वासम प्रीतिम वा कुर्यात् योगेन चेद योगेश्वरम श्री कृष्ण मनुव्रतः, यदि वह भक्ति योग के द्वारा भगवान का अनुयायी हो जाए तो उसको कभी भी दैवाधीन भोगों में विश्वास नहीं होगा, उपेक्षा कर देगा। पुर्याम कदाचित क्रीडत भी यद भोज कुमार कई ही कूपिता मुने हसे पुर भगवन मत को विदा। अब प्रसंग को आगे ला रहे हैं, कहते हैं द्वारिकापुरी में किसी समय यदवंशियों के भोजवंशियों के राजकुमार क्रीड़ा कर रहे थे, खेल खेल रहे थे।
खेल खेलते समय उन्होंने मुनियों को क्रोध कर दिया। 11वें स्कंद में प्रसंग आया है, शाम को स्त्री वेश में ले जाकर के मुनियों को पास प्रार्थना करने लगे। माने संक्षेप में कह रहे हैं कि मुनियों को क्रोध कर दिया, वंचना की ना। तब उन ऋषियों ने मुनियों ने सेपु भगवान मत को विदाह। मुनि लोग भगवान के मत के जानने वाले थे, कोविद थे, जानने वाले थे कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है कि अब यदुवंशियों का उपसंहार होना चाहिए, इसलिए शाप दे दिया उन्होंने। सेपु शापम ददुहु भगवतो मते अभिप्राय को विदाह अभिज्ञा। भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान के अभिप्राय के अधिज्ञ थे वे मुनि, शाप दे दिया। ततः कतपयैर्मासैर् वृष्टि भुजान्धकादय ययुः प्रभासं संहस्ता रथैर् देव विमोहिताः। इसके थोड़े समय बीत, मास बीतने के बाद वृष्णि वंशी, भोज वंशी, अंधक वंशी, ये अवान्तर वंश हैं यदुवंशियों के, ये सब के सब प्रसन्न होकर के रथों में बैठ करके देव विमोहिता प्रभासम व्ययुः, भगवान की माया से विमोहित हो रहे थे और प्रसन्न होकर के प्रभास की यात्रा में गए। वही तो सब नाश होना है, किंतु उनको क्या पता कि कल क्या हो जाएगा, वे तो प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं। तत्र स्नात्वात्यत्रेन देवान ऋषेश्चैव तदम्भगा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। वहां जाकर के इन वृष्णिवंशी, भोजवंशी, अंधकवंशी वीरों ने स्नान किया, सुंदर दिव्य तीर्थ के जल में तदम्भसा, और पितरों को तर्पण किया, देवताओं को जल दिया, ऋषियों को तृप्त किया। तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। देवता पितृ ऋषियों को तर्पण करके ब्राह्मणों को बहुत गुण वाली उत्तम उत्तम गायों का दान किया। वयशीलाद बहुगुणों पेता या गावस्था, जिनकी अवस्था भी ज्यादा नहीं थी, शील अच्छा था, मारने वाली नहीं थी, बहुत गुणों से युक्त उत्तम उत्तम गायों का दान किया। और क्या क्या दान किया, हिरण्यम रजतम शय्याम वासान सृजन कम्बलान यानम रथा निधान कन्या धरान वृत्ति करीमपि। सोना चांदी शय्या वस्त्र अजिन कम्बल सवारी रथ हाथी कन्याएं और जीव का निर्वाह के योग्य पृथ्वी का भी दान किया। वृत्ति करीम धरामपि। टीका में कन्याश्च वृत्ति करीम जीविका पर्याप्ताम धराम, जितने से जीविका चलती रहे, कष्ट न हो, इतनी पृथ्वी भी कन्या के साथ में दान कर दिया। अन्नम चोरो असंतेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोपी प्रार्था सब सूरा प्रणेमुर भूर्मूर्ध भी। और कहते हैं कि अन्न जो विशेष प्रकार के रस से युक्त है, यह भी ब्राह्मणों को दान किया, भोजन कराया। तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम, और उसके फल को भगवद अर्पण किया, अपने लिए फल नहीं चाहा। देखिए यदुवंशी लोग कितने बड़े धर्मात्मा थे, गो विप्रार्था सदा सूरा, वे लोग अपने प्राण जो है गऊ के लिए, ब्राह्मणों के लिए ही धारण किए हुए थे। देखिए ये इतना बड़ा कारण है जिस कारण से विश्व में कोई उनके मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो सकता था।
इतना उच्च कोटि का धर्म था यदुवंशियों में। गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए प्राण वे अपने बचाए हुए थे। और इसीलिए देखिए, सब धर्म कर्म करके और भगवत अर्पण कर दिया, निष्काम कर्म किया। ये महिमा भगवान के दर्शन की महिमा थी। प्रणय मूर्भू मूर्धनी, और उन सबों ने पृथ्वी पर सिर रख रख करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया। टीका में अधिक ने भगवत अर्पणम यथा भगवती, उन सारे साधनों का दान मान आदिकों को भगवान के लिए अर्पण किया। गोब प्रार्था असबो ये शाम, उनके प्राण गौ ब्राह्मण के लिए ही रहा करते थे। हरि ओम तत्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे विदुरुद्धव संवादे तृतीयोध्याय ओम भगवदर्पणमस्तु। आज इसके बाद चतुर्थ अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी की अंतिम बातचीत के बाद उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले जाएंगे और विदुर जी गंगा के तट पर भगवान मैत्रेय का सत्संग प्राप्त करने के लिए चल देंगे। ये विषय आएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, चतुर्थे बंधु निधनम स्वत्वात्म ज्ञान लब्धे उद्धवस्योपदेशे नोक्षत्ता मैत्रेय मागमत। चतुर्थ अध्याय में अपने बंधु कौरवों का निधन सुना विदुर जी ने, प्रभाव यही तो उनको पता चला। और उद्धव जी का उपदेश सुनने के बाद संकेत पा करके विदुर जी मैत्रेय का दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। ये विषय। असल में विदुर जी ने उद्धव जी से अपने सगे संबंधियों का कुशल समाचार ही तो पूछा था, किंतु दोनों महाभागवत हैं, इसलिए दोनों के अंतःकरण में भगवान की महिमा भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान का समाचार पहले ही पूछा था। और उद्धव जी ने भी भगवान का स्मरण आ जाने से विह्वल हो गए और उन्होंने भगवान की सारी लीला चेष्टाओं का ही वर्णन कर दिया, तब समाचार बताया। आप देखिए, उद्धव जी आगे उसी प्रसंग को कह रहे हैं। प्रभास क्षेत्र में ये यदुवंशी पहुंच गए, वहां धर्म कर्म किया। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च बारुणीम तया विमृशत ज्ञाना दुरुक्तैर मर्मवश प्रभु। अथ माने इसके अनंतर दान दक्षिणा भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों से आज्ञा मांगी, आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, आप लोग भी भोजन करो, प्रसाद पाओ। तो भोजन किया और बारुणी का पान कर लिया। यही भगवान का संकल्प था। उसका पान करने से तया विभ्रंशित ज्ञान, उनके ज्ञान का विभ्रंश हो गया और आपस में ही कटुक्तियों के द्वारा दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। मर्म पश प्रभु तैर ब्राह्मण अनुज्ञाता, उन ब्राह्मणों की आज्ञा पा करके भोजन किया और बारुणी का पान कर लिया। बारुणी पैष्टी मदिराम, मदिरा विशेष है, उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तेषाम मैरेय दोषेण विषमी कृत चेतसाम निम्लोचत रवावासीद वेणु नाम मर्दनम। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन यदवंशियों के मैरेय मद्य के दोष से उनके चित एक दूसरे से विषम हो गए और निम्लोचत रवऊ
वेणु नाम मर्दन मर्दनम इव आसीत। सूर्यास्त होते होते उनकी लागदात इतनी बढ़ गई कि जैसे बांसों के जंगल में आग पैदा होकर के जलने लगती है, वैसे ही उनमें संघर्ष छिड़ गया। टीका, वारुणी एव मैरेयम तस्य दोषेण। वारुणी को ही मैरेय कहा गया है, उसी के दोष से। रवौ निम्लोचत त्यस्तम गच्छत सति। सूर्य भगवान के अस्त होते होते ही मर्दनम माने मारकाट कदनम, भगवान स्वात्मायाः गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्ष मूल मुपाविहत। श्री भगवान ने भी अपनी माया की उस गति को देखा कि मेरी माया क्या चमत्कार कर रही है, और सरस्वती नदी में आचमन करके पीपल के वृक्ष के मूल में जाकर के बैठ गए। उपस्पृश्य है ना, सरस्वत्याम आचम्य, सरस्वती नदी में आचमन करके भगवान जाकर के पीपल वृक्ष के मूल के पास बैठ गए। अब उद्धव जी पूर्व की बात कुछ हो चुकी थी, उसका स्मरण दिला रहे हैं विदुर जी को। क्या कहते हैं, अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदरीम तम प्रवया प्रयाहीति सकुलम संजिहीर्षुणा। उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जो भगवान शरण में आने वाले के आरती का हरण करने वाले हैं भगवता, उन्होंने अपने कुल को संहार करने की इच्छा के पहले ही मुझे यह आदेश दिया था कि उद्धव जी तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। ठीक है, अहम चोक्ता पूर्वमेव द्वारिकायामेव, द्वारिका में प्रभास अभी नहीं आए थे, ग्यारहवें स्कंद में प्रसंग है यह। किंतु अथापि तदभिप्रेतम जानन्नह मरिंदम। उद्धव जी कहते हैं कि मैं भगवान के अभिप्राय को जान गया था, जब ब्रह्मा आदि स्तुति करने आए थे तभी जान गया था, किंतु पृष्ठतो अन्वगमं भर्तु पाद विश्लेषणाक्षम। मैं भगवान के पीछे पीछे अनुसरण करने लग गया कि फिर जाऊंगा बद्रिकाश्रम। क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्यों किया? तो पाद विश्लेषणाक्षम, भगवान के चरणों से का वियोग मैं सहन करने में असमर्थ था। उद्धव जी कहते हैं कि भगवत वियोग मैं सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तदभि प्रेतम कुल संहारादिकम ज्ञात्वापि, भगवान कुल का संहार करा करके स्वयं पृथ्वी लोक छोड़ना चाहते हैं यह जान गया था मैं। पीछे पीछे पहुंच गया जहां भगवान बैठे थे। अद्राक्षम एकमासीनम विचिन्वन विचिन्वन दैतम पतिम, मैं अपने प्रिय स्वामी भगवान को खोज रहा था, ढूंढ रहा था प्रभास क्षेत्र में, ढूंढते ढूंढते भगवान का मैंने कहां दर्शन किया? एकम आसीनम अद्राक्षम, एक जगह जाकर के देखा मैंने कि भगवान अकेले बैठे हुए हैं। श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम केतनम, सरस्वती नदी के तट पर श्री लक्ष्मी के जो निकेत हैं भगवान, वहीं पर उन्होंने अपना आसन जमा रखा है, कृतकेतम निवास बना रखा है। यद्यपि भगवान अकेतन है, है ना, वे उनका कोई आश्रय नहीं है, वो तो निराश्रय हैं, सबके आश्रय तो वे ही हैं, उनका कोई आश्रय थोड़े है।
किंतु इस समय लीला के लिए भगवान सरस्वती नदी के तट पर आश्रय बनाए हुए वृक्ष के पास बैठे हुए मैंने देखा। कृतकेतम माने कृतावासम, स्थित आवास लिए बैठे हैं। अकेतनम है ना अनाशय, जो भगवान अकेतन माने अनाशय है, उनका कौन आश्रय हो सकता है? भगवान तो अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। भूमा के बारे में प्रश्न किया ना सप्तम अध्याय छांदोग्य में नारद जी ने, संत कुमार जी ने कहा कि नहीं, भूमा का कोई आश्रय नहीं है, वह अपने ही आश्रय महिमा में स्थित है, ऐसे भगवान। तब कहते हैं श्यामावदातम विरजम प्रशांता उलोचनम दुर्भिश्चतुर्भिर्दिदितम पीत कौसाम्बरेण च। भगवान के मंगल में स्वरूप का वर्णन करने लगे उद्धव। श्याम वर्ण है, अवदात अत्यंत चिक्कण कोमल, विरजम प्रशांता उलोचनम अत्यंत निर्मल, प्रशांत लाल वर्ण के नेत्र हैं, चतुर्भिर्दितम और चार भुजाओं में भगवान विदित हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। पीत कौसाम्बरेण च, पीला वस्त्र, कौशे पीला वस्त्र और चार भुजाएं, ये भगवान की ही वस्त्र हैं, भगवान का ही ऐसा स्वरूप है, इसी से भगवान की पहचान होती है। टीका में कहते हैं विरजम माने वैजसम शुद्ध सत्वमयम, भगवान का वह विग्रह शुद्ध सत्वमय है, रजतम का नामो निशान भी नहीं। विजितम लक्षितम, चार भुजाओं से भगवान लक्षित हो रहे हैं और पीत वस्त्र से लक्षित हो रहे हैं। कौशम कौशेयम, रेशमी वस्त्र है, पीत वस्त्र, पीत पीले वर्ण का। वाम उरावधिष्ठित्यो दक्षिणांग्रि सरोरुहम अपाशितार्ध का अर्ध कस्वत्थ अप्रसम तिक्त पिप्पलम। भगवान अपने बाएं ऊरु में दक्षिण चरण रखे हुए हैं, दाहिना चरण कमल भगवान बाएं ऊरु के ऊपर टिकाए हुए हैं और पीठ की ओर अपाशितार्ध का स्वत्थम है ना, आर्भक अश्वत्थ माने शिशु पीपल, साल दो साल का वृक्ष था पीपल का, अश्वत्थ का पुराना नहीं था, उसका आश्रय लिए हुए पीठ लगी हुई। आक्रसम त्यक्त पीपलम, भगवान ने अन्न जल खाना पीना सब त्याग रखा है, किंतु अक्रसम भगवान के विग्रह में कोई क्रसता नहीं है, वैसे सुंदर लावण्य मौजूद है। टीका, अधिश्रित्य ऊपर स्थापयित्वा, मैंने बाएं ऊरु में दाहिना चरण कमल स्थापित कर रखा है। अपाशित प्रस्थतो अवस्तब्धो अर्भको बालः कोमलो अश्वत्थो ये नितम, पीठ की ओर से भगवान ने सहारा ले रखा है। अर्भक माने बाल, जो कोमल अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, उसका सहारा ले रखा है। ऐसे भगवान को एकांत में अकेले मैंने देखा, उद्धव जी कह रहे हैं। और भगवान ने सब खाना पीना छोड़ रखा, त्यक्तम पीपलम विषय सुखम येन, सब विषय सुख खाना पीना छोड़ रखा है। तम तथापि अक्रहम, किंतु भगवान में कोई कृशता नहीं है खाना पीना छोड़ने से, क्यों? आनंद पूर्णम, भगवान का आनंद तो स्वरूप भूत है, खाना पीना उस वस्तु में थोड़ा आनंद उनका है। और कहते हैं तस्मिन महाभागवतो द्वैपायन सुहृत सखा लोकानुचरण सिद्ध आससादी दृक्षया,
उद्धव जी कहते हैं कि मैंने दर्शन किया उसी समय महाभागवत द्वैपायन भगवान व्यास के सुहृद और सखा भी मैत्रेय जी भगवान व्यास के सुहृद और सखा हैं। क्यों? क्योंकि पराशर जी के शिष्य हैं मैत्रेय जी और भगवान व्यास पराशर जी के पुत्र हैं, तो गुरुपुत्र हो गए मैत्रेय जी के भगवान व्यास, इसलिए सुहृद भी हुए और सखा भी हुए। तो वे उस समय आ गए लोकानुचरण सिद्धा, ये सिद्ध पुरुष थे, लोकों में विचरण करते करते यदक्षया आससाद घूमते घूमते अकस्मात वहां आ गए। द्वैपायन ठीक है, द्वैपायन सुहृत, द्वैपायन भगवान व्यास जिनके सुहृद हैं मैत्रेय जी के, सखा हैं, हितैषी है और सखा हैं, सह ऐसे कौन? वही मैत्रेय जी स्वगुरु पुत्रत्वात्, क्योंकि भगवान व्यास मैत्रेय जी के गुरु पराशर जी के ही तो पुत्र हैं। पराशर शिष्यो मैत्रेयित्यर्थः, अर्थ क्या निकला? पराशर जी के शिष्य मैत्रेय जी आ गए। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंधरस्य आशणवतो माम अनुवागुहासो समीक्षया विस्मयन उवाच। अब उद्धव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी भी आ गए घूमते घूमते और मैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ था, अनुवक्त हो रहा था। उस समय प्रमोद भावानत कंधरस्य, भगवान का दर्शन प्राप्त करके मुझको इतना आनंद आ रहा था कि आनंद के मारे मेरे कंधे झुके हुए थे। ऐसे मुझको आशणवतो माम मंगवा दुहासो समीक्षया विस्मयन उवाचो। उन भगवान मुकुंद ने मेरे प्रति अनुराग और हास समीक्षया, भगवान बड़े अनुराग और मुस्कान पूर्वक मेरी ओर देख रहे हैं और मेरे भीतर के हलचल को समझ रहे हैं, इसलिए भगवान मुझको विश्राम देने के लिए, मेरी घबराहट दूर करने के लिए भगवान बोले। ठीक है, प्रमोदेन भावेन चानता कंधरा यस्य, प्रमोद भाव के कारण जिसके कंधे निम्न हो गए हैं, झुक गए हैं। पाठांतरे प्रमोदस्य भारेण, पाठांतर में प्रमोद के भार से, दोनों तरह का पाठ, तो प्रमोद के भाव से चाहे भार से, आनंद के भार से, है ना। अनुवादन सह हासो यस्याम, भगवान की जिस दृष्टि में अनुराग के सहित मुस्कान है, तया समीक्षया विश्रमयन विगत समम कुर्वन, उस दृष्टि को डाल करके मुझको विश्राम देते हुए गत श्रम करते हुए बोले, भगवान बोले। क्या बोले? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं वेदाह मंत्र मन शीक्षितम ते ददाम यत्तद् दुर्वापमन्यैहि शत्रेपुरा विश्वसजाम बसूनाम मत्सिद्धिकामेन बसो त्वयेष्टः। श्री भगवान कहने लगे, उद्धव जी कहते हैं मेरे लिए, मुझको शांति प्रदान करने के लिए कहते हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारे मन में क्या है यह मैं जानता हूं। अहम् ते अंतर मन शीप्सितम वेद, तुम्हारे मन के भीतर गहराई में क्या है यह मैं जानता हूं।
और जानता हूँ इसलिए ददाम दुर्वापमन्य ही, मैं तुमको वह साधन दूंगा जो अन्यों के द्वारा दुर्वाप है, असंभव है। अच्छा, तो क्या जानते हैं भगवान उनके मन के भीतर की बात? तो कहते हैं देखो, क्षत्रेपुरा विष सजाम बहूनाम, इसके पहले प्रजापतियों का और बसुओं ने मिलकर के एक यज्ञ किया था। ये उद्धव जी भी बसु हैं। मत्सिद्धि कामेन बसु तो येष्टः, हे बसु, तुम मुझको सिद्ध कर लेना चाहते थे, है ना, मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने मेरी आराधना की थी उस यज्ञ के प्रकरण में। ग्यारहवां टीका, हे उद्धव, ते मनसि ईप्सितम् अहम् अन्तः स्थितो वेद वेद्मि। तुम्हारे मन में जो स्थित है वह मैं जानता हूँ, इसलिए तुमको मैं वह साधन दूंगा दाने हेतु हूँ। क्यों देंगे? तो कहते हैं कि देखो, विश्व सजाम बसूनाम च मिलिता नाम सत्रे, भाई तुमने पूर्व जन्म में प्रजापतियों और बसुओं के साथ मिलकर के जो यज्ञ हुआ था, सत्र हुआ था, हे बसुइद पुरा पूर्व जन्मनि, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम बसु के रूप में थे, तुम बसु अभू बसु थे, तदा मत प्राप्ति कामेन त्वया अहमिष्टः, तो मेरी कामना प्राप्ति की कामना से तुमने मेरी आराधना की थी, अतस्तत् साधनं ददामि दास्यामि, इसलिए भूमिका मौजूद है, इसलिए मैं अपनी सिद्धि का साधन तुमको दूंगा। अन्यैर्मत् परांमुखैर् दुष्प्रापम्, दूसरे जो हो मुझसे परांमुख रहने वाले हैं उनको वह साधन नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि भगवान अनुग्रह बहुत समय तक भगवान के प्रति दृष्टि जिनकी रहती है, भाग्यशाली जीवों की, उन्हीं को भगवान अनुग्रह प्रदान करते हैं। शेष साधो चरमो भवानाम आसादितस्ते मदनुग्रहो यत्। और भगवान कहते हैं कि देखो, यह तुम्हारा बहुत से जन्मों में अंतिम जन्म है, चरम माने अंतिम, इसके बाद तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अंतिम जन्म तुमको प्राप्त हुआ है, और देखो इसीलिए मेरा अनुग्रह हुआ है, तुमको मिला है। जन्मान लोकान्ग्रह उत्सृजंतम दिष्टा ददस्वान विशदानुवृत्या, लक्षण क्या है मेरे अनुग्रह का? काग देखो, मैं एकांत में जीव लोक को छोड़ना चाह रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, ऐसे समय में तुमने हमारा दर्शन कर लिया है। दृष्टा ददस्वान विशदानुवृत्या, विशद अनुवृत्ति के द्वारा तुमने मेरा दर्शन किया है। टीका, तस्य भाग्यम अभिनंदति, भगवान उद्धव जी के भाग्य की अभिनंदना कर रहे हैं। शेष भवो जन्मते भवानाम मध्ये चरमः, संसार में जो प्राणियों के जन्म होते हैं तुम्हारे समस्त जन्मों में यह अंतिम जन्म है तुम्हारा। यद्यस्मिन् मदनुग्रहः आसादितो लब्धः, उसका लक्षण यही है कि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। यत् पुनर्माम रह एकांते, एक तो यही, तभी मैं तुमको साधन दे रहा हूं, और दूसरी बात यह है कि तुम एकांत में विशदानुवृत्या एकांत भक्त्या ददर्शवान, एकांत भक्ति पूर्वक तुमने मेरा दर्शन किया। दृष्टवानसि एतद्दृष्ट्या, यह बड़े सौभाग्य की बात है।
भद्रम जातमित्यर्थः, तुम्हारा बड़ा कल्याण हो गया। निर्लोकान् निःशब्देन जीवाः, निर्लोक निःशब्द से जीव माने जीव लोक, तेषां लोकान् उत्सृजन्तं वैकुंठं गच्छन्तमित्यर्थः, मैं वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहा हूँ, उस समय तुमने मेरा दर्शन प्राप्त किया है। आप कहते हैं भगवान जो साधन देने की बात कहते हैं कि देखो, पुरा मया प्रोक्त मजा यो नाध्ये पद्मे निसरणाय ममादिसर्गे, ज्ञानम परम मन महिमा वभाषम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। देखो, पुरा माने पूर्व कल्प में, अजाय ब्रह्मणे ब्रह्मा जी के लिए नाभ्य विशेषण है, भगवान के ही नाभि कमल में बैठे हुए जो ब्रह्मा जी थे पूर्व कल्प में, उनको नाभ्य पद में निसरणाय ममादि सर्गे, अभी सर्ग सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, उसके आदि में ज्ञानम परम मन महिमा वभाषम, उस समय मैंने उनको कहा था, उपदेश किया था, किसका? परम ज्ञान का, है ना, मैंने अपने परम ज्ञान का उनको उपदेश किया था। कैसा था वह परम ज्ञान? मन महिमा वभाषम, मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान था। उसी को यत्सूरयो भागवतम वदन्ति, सूरी लोग तत्वज्ञ लोग उसी को भागवत शास्त्र के नाम से कहते हैं। आप कहते हैं ठीक है, ददामीति यदुक्तम तदेव निर्देशति, अभी भगवान कह चुके कि मैं दूंगा तुमको, उसी का निर्देश करते हैं। कौन साधन भगवान देंगे? पूरा पूर्वस्मिन् पाद्मे कल्पे, इसके पहले के पाद्म कल्प में, आदि सर्गे सर्गोपक्रमे, सर्ग का उपक्रम हो रहा था, सर्ग सृष्टि हुई नहीं थी, उस समय मम महिमा लीला अवभाषते येन तत्, वह ज्ञान मैंने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को दिया था, है ना, जिसमें मेरी महिमा मेरी लीला का अवभाषण होता है। इत्याद्रतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहम्, स्नेहोत्थरो माश्खलिताक्षरस्तं मुञ्छन् शुचः प्राञ्जलिदा बभाषे। उद्धव जी विदुर जी से पुनः कहते हैं कि हे विदुर जी, इति आद्रतोक्तः परमस्य पुंसः, इस प्रकार से परम पुरुष परमात्मा के द्वारा बड़े आदर पूर्वक मुझसे जब यह कहा गया, पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहम्, जिन भगवान के अनुग्रह का मैं पात्र प्रतीक्षण बना हुआ था सारा जीवन, जिनके भगवान के अनुग्रह का पात्र बना हुआ था, वे भगवान इस प्रकार से प्रेम पूर्ण आदर करते हुए मुझसे जब उन्होंने यह कहा, स्नेहोत्थरो माश्खलिताक्षरस्तम, तब मारे स्नेह के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मुख से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे, इस खलिताक्षरस्तम मुंचन छुटा और नेत्रों में शोक प्रेम के अश्रु बह रहे थे, प्रांजलि राबभा से हाथ जोड़ करके मैं उनसे प्रार्थना करने लगा। टीका, इत्येवम् आद्रतश्चासौ उक्तश्चाहम्,
इस प्रकार से भगवान ने, भगवान के द्वारा मैं आदृत हुआ और भगवान ने कहा, प्रतीक्षा माने कृपावलोक एवानुग्रह, भगवान की कृपा का अवलोकन ही अनुग्रह है। तस्य भाजन पात्र भूतः, उसका मैं पात्र बना हुआ था, भाजन बन गया था। पाठांतरे प्रतीक्षणम की जगह पर प्रतीक्षणम है, कहीं प्रतीक्षणम अनुग्रह से पात्र मिति, उन भगवान के अनुग्रह का पात्र मैं हरे क्षण में था। प्रतीक्षा में तो यह है कि उनके अनुग्रह की मैं प्रतीक्षा में था, किंतु दूसरे पाठांतर में प्रतीक्षण भगवान के अनुग्रह का मैं पात्र था ही। सुतो अश्रूणि मुंचन नाबभाषे उक्तवान अस्मि, नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहाते हुए मैं भगवान से कहने लगा। क्या कहते हैं देखिए, उन्मीषते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्षतीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन भगवत्पदां भोजन सेवनोत्सुकः। हे भगवन, हे ईश, जो आपके चरण कमल के पात्र हैं, भक्त हैं, आपके चरण कमल के भक्तों के लिए चारों प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों में से क्या दुर्लभ रहता है? मैं जानता हूं चारों के चारों दुर्लभ नहीं रह जाते, किंतु हे भगवान, मैं चारों पदार्थ में से कोई भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? तथापि नाहं पब्रोमि भूमन, हे भूमन, तो भी मैं उन चारों में से कोई पदार्थ नहीं चाहता हूं। भगवत पदाम भोजन से वणोत्सुकः, मैं तो केवल आपके चरण कमल की सेवा चाहता हूं का उत्सुक हूं। ये देखिए पंचम पुरुषार्थ है यह, भगवान के चरण कमल की सेवा करने का अवसर मुझे मिले, बस मैं यह चाहता हूं। टीका, नहि स्वाज्ञान निवृत्ति मात्र कामोहम्। श्रीधर स्वामी भाव बता रहे हैं कि मैं अपने अज्ञान की निवृत्ति मात्र की कामना वाला नहीं हूं कि आप कृपा करके मेरा अज्ञान निवृत्त करने हो गया। फिर क्या चाहते हो? किंतु त्वन्निसेवनोत्सुकः, मैं आपके चरणों की सेवा का उत्सुक हूं। त्वयि च अघटमाना चरणं दृष्ट्वा मे मोहो भवति। एक बात और, आपके जो ऐसे आचरण होते हैं जो आप में घटित होने योग्य नहीं होते, उनको देख करके मेरे मन में मोह पैदा हो जाता है। अतस्त्वं तत्व ज्ञानं देहि, इसलिए आप मुझको अपना तत्व ज्ञान दीजिए, मुझे मोह न हो। देखिए बड़ी गहरी बात है ये, प्रार्थयतु माह, माने भगवान के सुगम लीला चरित्र पहले भी कह चुके हैं ना कि मेरा चित्त जो है शिथिल हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है। उग्रसेन के सामने आप प्रार्थना करते हैं, माता पिता के सामने करते हैं, तो इस बात को कह रहे हैं कि आपके मैं तत्व को ठीक ठीक जान जाऊं तो फिर मुझे इस प्रकार से मोह न होवे, ऐसा तत्व ज्ञान दीजिए। मोटी समझ में ये बिगड़ जाता है मामला। कौन्देशेति चतुर्षु धर्मादिषु तथापि, हे भूमन, चारों पुरुषार्थों में से आपके जो भक्त हैं उनको कोई भी दुर्लभ नहीं है, किंतु हे भूमन, भवत पदाम भोजन सेवनो सुको हम पान न प्रब्रूमि, आपके चरण कमल के सेवन का उत्सुक मैं हूं, उन चारों पदार्थों को मैं नहीं वर्ण कर रहा हूं।
आघात माना चरणम दर्शयती। अब भगवान के कौन से आचरण है उनको दिखा रहे हैं, शब्दतः कह रहे हैं उद्धव जी। कहते हैं कि भगवान कर्माण्यनी हस्यो भवो भवस्यते दुर्गाश्योथारी भयात पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्दते खिद्यति धीर्विदामहि। हे भगवान, आप अनीह मने अकर्ता हैं और कर्म कर रहे हैं एक, और आप अजन्मा हैं आपका जन्म हो रहा है दो। दुर्गाश्योथारी भयात पलायनम, और दुर्ग का द्वारिकापुरी किले का आप आश्रय ले रहे हैं शत्रुओं से बचाव के लिए, शत्रु के भय से पलायन कर रहे हैं कालयवन के आगे से। चार, कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः, आप कालात्मा परमेश्वर हैं और आयुत प्रमदाओं का आश्रय लेकर के आप सुख पा रहे हैं। स्वात्मन्दते खिद्यति धीर्विदामहि, आप तो अपने आत्म स्वरूप में रति प्राप्त करने वाले हैं। फिर स्त्रियों में के आश्रय से रति प्राप्त करने का क्या मतलब है? खिद्यति धीर्विदामहि, आपके ऐसे चरित्रों को देख सुन करके बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि हिल जाती है, डोल जाती है। टीका, आघट माना आचरणम दर्शयती, भगवान के जो आचरण आघट मान है, संगत नहीं प्रतीत होते। क्या क्या? कर्माणि अनीहस्य, निश्चेष्ट भगवान के कर्म, निष्क्रियस्य निष्क्रियस्य वा, भगवान निष्क्रिय हैं। स्प्रिया कामना हो तो कर्म करे, और कामना नहीं तो क्या कर्म करना। यद्यपि कुरुते जंतु तत्त्व काम से चेष्टितम वचन है, आप निष्क्रिय हैं और फिर भी कर्म करते दिखाई दे रहे हैं। अभवस्य अजन्मना भवो जन्म, आप हैं तो अजन्मा किंतु जन्म ले रहे हैं। कालात्मनस्तवार भयात दुर्गाशय, सत्य काल तो आप ही हैं और शत्रु के भय से दुर्ग का आश्रय ले रहे हैं। पलायनम च भाग रहे हैं, स्वात्मन गतिर यस्य, और आप अपने स्वरूप में निरत रहने वाले हैं। तस्य बहुवी भी स्त्री भी गृहस्थाश्रय, उसका बहुत स्त्रियों के साथ गृहस्थाश्रय का लेना। इति यदि हास्मिन विषय, इस प्रकार के इन विषयों में विदुषाम विधि संशय निखिद्यति, संशय ग्रसित होकर के विद्वानों की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। और भी कहते, किंच मंत्रेषु मांबा उपहूय यत्त्वम् अकुंठिता खंड सदा तबोधा प्रक्षे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्त स्तनो मनो मृहती वदेव। हे भगवान, आप मंत्रणा करते समय आप मुझको बुला करके मुझसे मंत्रणा पूछते हैं, जबकि आप अकुंठिता खंड सदात बोधा, आपका बोध कभी कुंठित होने वाला नहीं, कभी खंड होने वाला नहीं, सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला है। तो भी आप मुझको बुला करके मुझसे मंत्रणा की मंत्रणा पूछते हैं। त्रिक्षे प्रभो मुग्ध युवा प्रमत्त, मुग्ध की तरह से, मानो जानते नहीं अनजान की तरह से, और बिना प्रमाद किए कभी भूलते नहीं है। तन्नो मनो मोहयति वदेव, हे देव, यही मेरे मन को मोहित कर लेता है। किंच मंत्रेषु च प्रस्तुतेषु च सत्सु, मंत्रणा का जब समय प्रस्ताव आता है तो माम आहूय वै अहो प्रच्छेहे, मुझे बुलाते हैं आप, बुला करके मुझसे पूछते हैं कि उद्धव जी तुम बताओ इसमें क्या करना चाहिए। और जबकि अकुंठिता कालादिना अखंड है ना,
काल के द्वारा आपका बोध कभी खंडित होने वाला नहीं है, संततः सदा रहने वाला है। सदात्मा संशयादि रहितो बोधो विद्या शक्तिर्यस्य, संशयादि से रहित विद्या शक्ति वाला बोध है। मुग्धवत अज्ञवत अप्रमत्तो अवहिता, संसावधान होकर के मुग्ध अज्ञ की तरह से आप मुझसे पूछते हैं। ज्ञानम परम स्वात्मरहत प्रकाशम प्रोवाच तस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमम नो ग्रहणायु भर्तर वदांजसा यद व्रजिनम तरेम। और कहते हैं कि हे भगवान, परम ज्ञानम जो ब्रह्मा जी को आपने दिया है कैसा है? स्वात्मरहत प्रकाशम, अपने रहस्यों को प्रकाशित कराने वाला वह ज्ञान। प्रोवाच तस्मै, जिसको ब्रह्मा जी को आपने कहा है वह समग्र ज्ञान आप मुझको सुनाइए। किंतु अतिक्षमम नो ग्रहणाय भर्तः, कहीं भगवान ये सोचे कि अरे वाह, ब्रह्मा की तरह से तुम अपने को योग्य समझते हो, तो कहते हैं कि अगर मुझको ग्रहण करने में क्षम समझते हो, मैं कोई बरात नहीं कर रहा हूं, यदि मुझको वह ज्ञान ग्रहण करने में आप सक्षम समझते हो, भरकर बदान जैसा यद ब्रजनम तरेमो, आप हो उसको आश्चर्य करके बताइए, है ना, क्या करोगे उसको सुन करके ग्रहण करके? यद ब्रजनम तरेमो, तो उससे मैं सारे दुखों को पार कर जाऊंगा, सारे संसार दुखों से उड़न हो जाऊंगा। स्वात्मनस्तव रहो रहस्यम तत्त्वम तस्य प्रकाशकम्, आप आत्मस्वरूप का जो माने रहस्य है, तत्व है, उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान कस्मै ब्रह्मणे, जिसको आपने ब्रह्मा जी को दिया था। यहाँ कस्मै में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, इसलिए जो है सर्वनामत्व मार्सम कह रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा के बिना इसमें आदेश चतुर्थी को नहीं होगा, इसलिए उसको आर्ष प्रयोग कह रहे हैं। नो अस्माकम ग्रहणायापि क्षमम यदि योग्यम तद्विद्वद्, अगर मेरे ग्रहण करने में मैं सक्षम हूँ, योग्य हो, तो कहिए। भरता है हे स्वामिन, यद्यतो ब्रजिदम संसार दुख मनसा अनायासेन तरिष्यामः, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से संसार के समग्र दुखों को मैं आसानी से हम पार कर लेंगे। इत्यावेदित एक यही इत्यावेदित हार्दायो मह्यम सा भगवान परः, आदि देशारविंदाक्षो आत्मन परमाम स्थितिम। इस प्रकार से जब मैंने अपने हृदय का भाव भगवान के सामने खोल करके रख दिया, तब सह भगवान पर भगवान मह्यम आदिदेश, तब भगवान ने उस ज्ञान का मुझे उपदेश कर दिया। आदिदेशारविंदाक्ष आत्मन परमाम स्थितिम, उसने अपने आत्मा की, परमेश्वर की, परमात्मा की परम स्थिति का वह उपदेश है, वह उपदेश भगवान ने मुझे दे दिया। आवेदितः हार्दः सदिष्ठितो अभिप्राय येन तस्मै, ऐसे मुझको भगवान ने वह उपदेश कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। फल पूरा होगा।